मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में किए गए अहम वादों में से एक ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा से पास करा लिया है और इस बिल को राज्यसभा से पास कराने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राज्यसभा में जहां इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े तो वहीं विरोध में 84 वोट पड़े हैं। लेकिन जिन महिलाओं के लिए इस बिल को लाया गया है, उन महिलाओं का इस बिल पर क्या कुछ कहना है, उनकी क्या राय है, आइए वो जानते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि राज्यसभा में बिल पास हो गई है और ये न्याय दिलाने की बहुत खुश कर रहे। कितना इंतजार था आपको? बहुत दिनों से इंतजार था, इसलिए नाखुश है। क्यों नाखुश है? हाँ नहीं, हमारे नहीं होती ना ऐसी तलाक, हमारे मतलब मना करता है इस तलाक। मोदी सरकार अच्छी है, ये कानून जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है बना रहे जो। आप इस बिल को लेकर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन हम जानना चाहते। ये हम नाखुशी है हमारी, ये इसलिए ये कानून जो है हमारे नबी के खिलाफ चल रहा है, इसलिए हम खुश नहीं है। अच्छी बात है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए सबको। इस बिल से कितना खुश है, क्या कहना चाहेंगे सरकार? उन्होंने जो किया बहुत अच्छे के लिए किया। नहीं, हमारे मजहब में होना नहीं चाहिए वैसा, ऐसा अच्छा नहीं है ये। तो सरकार जो बिल लेकर आ रही है इससे खुश है ना खुश? इससे ना खुश है जो अभी फिलहाल के लिए लेडीज के लिए बहुत अच्छी बात है। सरकार तरफ से ये अच्छी सोच है, सच सरकार ने अच्छा ही निकाला एक तरह से ये कानून। ये तो एक दफ़ा जब हो ही जाती है तो हो जाती है, तो ये तो गलत है। तीन तलाक का मतलब होता है हो गई, लेकिन सरकार ने ये इसको क्यों उठाया? रोकने के लिए कदम लाई है। रोकने के लिए तो अच्छी बात है, रोकने के लिए लाई है। तो सरकार ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए तीन तलाक बिल को राज्यसभा से पास करा लिया है और उसके बाद अब इंतजार है तो राष्ट्रपति की मुहर का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बिल के बारे में वो महिलाएं जानती हैं जिनके लिए बिल लाया गया है? क्या उन्हें पता है कि ये बिल उनके हित में है या नहीं? कैमरा पर्सन मोहम्मद रागिब के साथ आशिमा त्यागी, R9 TV, दिल्ली।